Hello student, good morning everyone. I am going to tell about motion of a standard 9. आज motion का second class है, second video है. First video में हम लोग motions का definition, motion के type पढ़ चुके हैं. आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे. First distance, displacement, speed. और स्पीड में ही कुछ टाइप्स हैं, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे. फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस बोलते हैं इसको. द एक्चुअल लेंथ of two distinct point is called distance. मतलब दो distinct point के बीच के actual length को हम लोग क्या बोलते हैं, distance. Example, a body. मान लेते हैं एक body है जो A से move करके B तक जाती है, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है. B से C के पास आती है, 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है. C से फिर D के पास आती है, फिर 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है. तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस क्या होगा इसका, A से मूव करने के बाद B के पास, B से मूव करके C पर, C से D के पास गया. अब हम लोग टोटल जो डिस्टेंस हुआ, जो मतलब एक्चुअल में कितना चला है, तो एक्चुअल में A से B तक मतलब 5 मीटर, B टू C मतलब 4 मीटर, C टू D मतलब 4 मीटर, टोटल 4 × 4 = 8 और 8 × 5 = 13 मीटर. मतलब इसका जो A से D तक का एक्चुअल जो लेंथ हुआ वह कितना हुआ, 13 मीटर. तो हम लोग डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल लेंथ को ही डिस्टेंस बोलते हैं. अब इसका कुछ देखेंगे. इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर. डिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो होता है मीटर होता है. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, यह निगेटिव नहीं हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में लेंगे. अगर एक पॉइंट ए है, इससे हम लोग इस डायरेक्शन में भी जाएंगे तो भी डिस्टेंस पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में भी जाएंगे फिर भी डिस्टेंस पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में भी जाएंगे फिर भी डिस्टेंस पॉजिटिव. इट मीन्स डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हम लोग. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, लिखते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. मतलब दो पॉइंट्स के बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट इट्स ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर. डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है. क्यों होता है हम लोग समझ सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस है, अलग बात है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस होता है, मतलब लेंथ होता है. और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर. तो हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर. डिस्प्लेसमेंट में एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. लिख सकते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी
इट इज डिनोटेड बाय एस। अब हम लोग यहां पर देखते हैं क्या नाइन्थ क्लास तक टेंथ क्लास तक हम लोग सिर्फ एस लिखकर काम चला सकते हैं, बट जैसे ही हम लोग हायर क्लास में चले गए हम लोग को देखने को मिलता है एस के ऊपर एरो लगा हुआ। यह एरो जो है डायरेक्शन को शो करता है और यह एरो उसी क्वांटिटी में लगता है जो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है डिस्प्लेसमेंट का, देख लेते हैं उसको हम लोग। हम लोग अभी पढ़े डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सभी तरह के हो सकते हैं। बोले कैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल क्या है? लेट करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है ए, यहां से इस प्रॉपर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है ए से बी तक 4 meters सपोज दैट। अब यहां से आप डाउनवर्ड 3 meters नीचे आता है सी तक इस डायरेक्शन में। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस समझ लेते हैं यहीं पे, ए बी प्लस बी सी इज एक्चुअल लेंथ, तो हम लोग उसको बोलेंगे डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब कौन होगा एसी। एसी जो मेरा होगा यह होगा डिस्प्लेसमेंट। अब यहां अगर 90 डिग्री का होता है तो हम लोग यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एसी का जो वैल्यू होगा 5 meters ला सकते हैं। अब कहेंगे ये जो हुआ यह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब यहां पर देखते हैं हम लोग निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है? निगेटिव डिस्प्लेसमेंट तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो अभी ए पर है, ए से मूव करके बी पर गया और बी से अपोजिट डायरेक्शन में सेम पाथ पर कम बैक होता है सी तक, मतलब ए से गया बी पर और बी से उसी पथ पर अपोजिट डायरेक्शन में सी के पास आता है। देन हम लोग ले सकते हैं ए इसका जो ओरिजिन था यहां से स्टार्ट हुआ था और फाइनल इसका जो पॉइंट आया वह सी आया, तो यहां से ये जो हुआ ए सी ये हमारा जो हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ। और हम लोग अगर यहां से जो ओरिजिन है ये ए रिफरेंस पॉइंट अगर हम लोग इसको ओरिजिन मानते हैं तो यहां से डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो जो इधर से डायरेक्शन होगा उसे हम लोग को निगेटिव लेना पड़ेगा। अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे इस डायरेक्शन को निगेटिव लेना पड़ेगा, अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां से जो ये है ए बी यह पॉजिटिव डायरेक्शन है और बी सी जो है निगेटिव डायरेक्शन है। देन फाइनल जो ए सी आया वह भी हमारा क्या होगा निगेटिव। तो इस तरह के हम लोग समझ सकते हैं निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब बोलेंगे सर जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो हम लोग ले सकते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ पर मूव करता है और जहां से स्टार्ट हुआ ए से फिर वहीं पे आके यार स्टॉप हो जाती है, इट मींस ए से मूव करने के बाद एक प्रॉपर डायरेक्शन में ए पर ही आ जाती है, मतलब इसका अगर टोटल डिस्टेंस पूछा जाए टोटल डिस्टेंस तो इसका कुछ ना कुछ होगा जो 2π आर के इक्वालिटी में होगा। क्यों? क्योंकि 2π आर जो होता है सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है। बट इसका अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट,
देन इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह ए से मूव करने के बाद ए पर ही आया है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट इसका सेम होने के कारण शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा 0 मीटर होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कैसे हुआ। अब हम लोग आते हैं स्पीड के पास, व्हाट इज स्पीड, नेक्स्ट टॉपिक। स्पीड क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं स्पीड इज द बॉडी, स्पीड इज द बॉडी ट्रेवल बाय स्पीड इज द बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्पीड। दैट इज ले सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम लोग एस से डिनोट करते हैं और टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, वी इक्वल टू एस वाई टी। अब यहाँ पे इसका ऐसा भी पूछता है व्हाट इज द एसर मीन ऑफ दिस स्पीड, स्पीड का एसर मीन क्या होगा, तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस का एसर मीन जो होता है मीटर होता है और टाइम का एसर मीन सेकेंड होता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग स्पीड्स में एवरेज स्पीड भी होता है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पे एक एग्जांपल्स के तौर पे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ए, ए पर ए से मूव करने के बाद बी पर गया, टाइम जो है 2 सेकेंड और इसका ए से बी का जो डिस्टेंस है 5 मीटर कवर किया, फिर यहां से बी से यहां सी पे जाता है, फिर टाइम मान लेते हैं 3 सेकेंड का और यहां से यहां का डिस्टेंस अगर मान लिए 4 मीटर है, फिर सी से कवर करने के बाद बी तक जाती है, टाइम मान लेते हैं 5 सेकेंड का लगता है और यहां पे जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है मान लेते हैं 8 मीटर। देन अगर हम लोग का ए से डी तक का एवरेज स्पीड पूछता है, एवरेज स्पीड क्या होगा टोटल जर्नी का या टोटल डिस्टेंस कवर करने में इसका, तो हम लोग हर एक पॉइंट पे स्पीड को नहीं डिफाइन करेंगे, क्या करते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब क्या है इसका एवरेज स्पीड में हम लोग क्या लेते हैं 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 8 मीटर बाय 2 प्लस 3 प्लस 5 सेकेंड। अब इसको हम लोग ऐड करके बना लेते हैं, जैसे इसको ऐड करेंगे यहां पे 79 और 8 कितना होगा 17 मीटर, उसके बाद इसको ऐड करेंगे 10 सेकेंड। अब यहां पे इसको डिवाइड करेंगे 1.7 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आया। अब हम लोग इस तरीके से एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन का रेशियो होता है एवरेज स्पीड। या कभी कभी हम लोग ऐसा भी देखते हैं, जैसे जैसे
एक बॉडी है ए पर, ए से गया बी पर, बी से जाता है सी पे, सी से डी पर, यहाँ से यहाँ जाने में इसका स्पीड मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ से यहाँ जाने में इसका स्पीड मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ से यहाँ जाने में इसका स्पीड मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड है। देन अब बोलता है एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड में हम लोग टोटल स्पीड बाय नंबर ऑफ स्पीड को हम लोग डिवाइड करेंगे, एवरेज स्पीड निकल सकता है। जैसे 20 प्लस 10 प्लस 15 बाय 1, 2, 3 से डिवाइड, जितना आएगा वही इसका क्या होगा आंसर होगा। जब हम इसको ऐड करेंगे 45/3 मतलब 15 मीटर पर सेकंड इसका फाइनल एवरेज स्पीड आता है। तो इस तरीके से भी हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अब एवरेज स्पीड के बाद आता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का जो सेकेंड नाम होता है, सेकेंड नेम, वो हम लोग ले सकते हैं कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। अब हम लोग कांस्टेंट वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो फिक्स होगा उसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। देन हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड में या कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड में कि कोई भी बॉडी जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो बोलते क्या, इफ द बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या कॉन्स्टेंट स्पीड। जैसे इफ अ बॉडी, अगर मान लेते हैं एक बॉडी जो है ए पर है, ए से बी बी तक गई है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, बी से फिर सी के पास गई है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, या ऐसे ले सकते हैं कि एक सेकंड में ए से बी तक एक सेकंड में जाने में इसको 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको एक सेकंड का टाइम लगता है, फिर नेक्स्ट 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में एक सेकंड, फिर यहाँ पे नेक्स्ट ले सकते हैं 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में एक सेकंड। देन हम लोग कर सकते हैं यही यूनिफॉर्म स्पीड में है। अब हम लोग लेते हैं इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के नाम से जानते हैं। मतलब इफ द बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के नाम से जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी ए से बी तक 8 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर करता है, बी से सी तक 6 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर करता है, सी से डी तक 3 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर करता है। देन हम लोग ले सकते हैं कि या फिर सबका टाइम इक्वल ले लेते हैं, मतलब इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है, इट मीन्स यह जो बॉडी है वो किसमें है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशंस का इक्वेशंस, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सब हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।